आज मैं आपके साथ डोसा बैटर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक्सैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाला डोसा बैटर की रेसिपी है ये। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे डोसे इससे। आप एक बार इस बैटर को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है एंड साथ ही साथ इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे डोसा से। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स बिगिन द रेसिपी। डोसा बैटर बनने के लिए सबसे पहले हमें एक मेजरिंग कप लेके इसमें चावल को ऐड कर रही हूँ मैं। सो आप एक मेजरिंग कप लेके चावल को ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं चावल ले रही हूँ, ये डोसा राइस है। अगर आपके पास डोसा राइस नहीं तो आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं टू ग्लासेस ऑफ राइस ऐड किया है। देखिए इस ग्लास से मैंने टू ग्लासेस ऑफ राइस ऐड किया है। नेक्स्ट वन ग्लास ऑफ उड़द दाल ऐड कर रही हूँ मैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है टू ग्लासेस ऑफ राइस के लिए, वन ग्लास ऑफ उड़द दाल। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून ऑफ चना दाल। देखिए एग्जैक्ट टू टेबल स्पून ऑफ चना दाल है ये। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी। बस वन टेबल स्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स ही डालिएगा, आप ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना डोसा कड़वा हो सकता है। सो ध्यान रखिएगा कि आपको मेजरिंग कप से मेजर करके ही डालना होगा। इन सभी को डालने के बाद हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे 3-4 टाइम्स तक। इसे वॉश करने के बाद हम इसमें पानी डाल के सोक करेंगे। देखिए इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसमें पानी फिल कर रही हूँ। सो पानी फिल होने के बाद हम इसे रख देंगे एक 4-5 आवर्स तक। इसका प्लेट कवर करके 4 आवर्स तक हम इसे ऐसे ही रख देंगे बाहर। ध्यान रखिएगा कि आपको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए। आफ्टर 4 या 5 आवर्स आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। आफ्टर 5 आवर्स देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है दाल एंड हमारे राइस भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। सो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में डाल के। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिक्सी जार में ग्राइंड कर रही हूँ इसे। सो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ये डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक स्मूथ पेस्ट की तरह ग्राइंड करेंगे इसे। लगातार 5 मिनट्स तक मैंने ग्राइंड किया है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके देखिए इस तरह से होना चाहिए कंसिस्टेंसी। ये तो हमारा पहला वाला तो तैयार है। बचे हुए दाल को भी हम बिल्कुल इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। देखिए ये तो परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ग्राइंड कीजिएगा, तभी डोसा अच्छे से आएंगे। हम यहाँ पे मिक्सी जार में ग्राइंड कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए मैंने दूसरा वाला बैच को भी ग्राइंड कर लिया है। सभी दाल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए इस तरह से होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए ये तो परफेक्टली है कंसिस्टेंसी, इसका बैटर है परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ईटिंग सोडा। इसमें आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहिए, ईटिंग सोडा ही डालना चाहिए। बस 1/2 टेबल स्पून डालिएगा, ज़्यादा ना डालें। बस 1/2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसे इवनली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका लिड कवर करके रख देंगे। अगर आप इवनिंग पीस है तो ओवरनाइट इसे रख दीजिएगा, या फिर 6 या 7 आवर्स तक आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आफ्टर 6 आवर देखिए इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। देखिए डबल क्वांटिटी हो चुकी है ये। सो हम इसमें अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए ये तो कितना परफेक्टली फॉर्मेट हो चुका है। देखिए देखिए अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे नमक।
आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ऑफ नमक ऐड किया है। नमक डालने के बाद बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 ग्लास के जितना पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। 5 to 8 मिनट्स तक हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे डोसे अच्छे से आ जाए। ऐसा मिक्स करना ज़रूरी है। सो आप इस स्टेप को बिना स्किप किए हुए मिक्स कीजिएगा। एक लगातार 5 to 6 मिनट्स तक इसे ऐसे ही मिक्स करना होगा। 5 to 6 मिनट्स तक मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे पैन ले लिया है, डोसा पैन। डोसा पैन पे डोसा कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन ले लिया है। इसका पार्ट स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा सा कट करके इसे ऑयल से ग्रीस किया है मैंने ऑनियन को। ग्रीस करने के बाद हम इसे तवा डोसा पैन पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ऐसा करने से डोसा स्टिक नहीं होगा पैन को। सो ऐसा करने के बाद यहाँ पे मैं 1 कप ऑफ डोसा बैटर लेके डोसा डाल रही हूँ। देखिए फटाफट सा स्प्रेड कर देना चाहिए आपको डोसा बैटर को। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो बटर डोसा भी बना सकते हैं या फिर घी भी डाल सकते हैं। डोसा डालने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए हम इसे हल्का सा फ्लिप कर लेंगे। देखिए हल्का सा कीजिएगा फ्लिप, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन चुका है डोसा ये। देखिए एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाला डोसा है ये। आप लोग इस डोसा को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है एंड बनाने में भी आसान है।